Vivo V29 को यूज करते हुए आज हमें पूरे 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 21 दिनों तक हमने इसको अच्छी तरह से यूज किया। आपको बताऊंगा, हमने आपको बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस दिए थे, इसकी अनबॉक्सिंग दी थी और भी बहुत सारे वीडियोस दिए थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको कह सकता हूँ कि स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी स्मार्टफोन को अच्छी तरह से यूज नहीं करते हैं तब हमें अच्छे से पता नहीं चलता है। क्योंकि जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो सारे मोबाइल से सही रहते हैं क्योंकि एकदम नए रहते हैं, तो अच्छी तरह से यूज करने के बाद में पता चलता है कि स्मार्टफोन कैसा है, इसकी बैटरी ड्रेन कितनी होती है, चार्जर कितनी देर में होता है, पूरा एक्यूरेट दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर ब्लैक कलर चूज किया क्योंकि यूट्यूब पर आप देखोगे तो ब्लैक कलर के अंदर आपको बहुत कम स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ब्लैक कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो हमने सोचा कि आपको यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाते हैं। और यहाँ पे पीछे देखोगे काफी अच्छी फिनिशिंग दी गई, एजी ग्लास मिलता है पीछे। इन हैंड फील के अंदर दोस्तों काफी प्रीमियम फील होता है। और जब हम इसको धूप वगैरह के अंदर लेके जाते हैं, फिर इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो दोस्तों बहुत यहाँ पे चमकता है। अगर आप इसको बिना कवर के रखते हो तो यहाँ पे कोई भी फिंगर वगैरह नहीं चपते हैं। और इसकी जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़े दिन बाद, मतलब एक महीने के बाद तो नहीं, जैसे कि हम 5-6 महीने यूज करेंगे तो यहाँ पे फ्रेम के ऊपर आपके स्क्रेचेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे आप लेमिनेशन वगैरह भी कराना चाहो तो करा सकते हो। पीछे देखोगे 3 कैमरा जी, यहाँ पे एक ओरा लाइट भी मिलती है और एक फ्लैश लाइट आपको अलग भी मिलती है। तो ये ओरा लाइट का बहुत ही कमाल का काम है, जैसे कि हम जब भी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर यार एक कमी देखने को मिलती है, वो एक यार इसके जो नीचे ये स्पीकर है ये सिंगल स्पीकर मिलता है। अगर इसके अंदर स्टीरियो के स्पीकर होते तो भाई साहब मजा आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आवाज इसकी ठीक है, सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो आवाज है वो काफी तेज है। दोस्तों जब आप आउटडोर के अंदर रहते हो या फिर आपके पास में मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शोर शराबा रहता है तो दोस्तों आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब भी हम गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा यार, मतलब हेडफोन ही लगाना पड़ता है। अगर बिना आप हेडफोन वगैरह के यहाँ पे गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको आवाज में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सिंगल स्पीकर तो मिलता ही है, पर इसके साथ में आपको 3.5 mm का जैक भी नहीं मिलता है, जिससे दोस्तों आप डायरेक्ट ईयरफोन वगैरह लगाकर अगर सुनना चाहो, मतलब गेमिंग वगैरह करना चाहो तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको मूवीज वगैरह देखनी है, गेमिंग वगैरह करनी है, तो दोस्तों आपको एक अच्छे से हेडफोन या फिर एयरबड्स वगैरह लेने पड़ेंगे। तो सबसे जरूरी चीज दोस्तों, जब भी आप स्मार्टफोन को खरीदो तो यहाँ पे जो एक पन्नी आती है इसको उतार कर दोस्तों किसी नियर बाय शॉप के ऊपर जाकर वहां पर एक अच्छा सा ग्लास लगा लेना, जो यूवी ग्लास मिलता है वो ग्लास लगा लेना, क्योंकि ये जो पन्नी मिलती है इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रेचेस आ जाएंगे आपके थोड़े दिन में। और दोस्तों एक चीज मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई है कि जब भी आप मतलब सिम निकालो, यहाँ पे जो सिम टूल है, यहाँ पे सिम का यहाँ पे जो होल और माइक का होल यहाँ पे दोनों पास पास में है, तो हमें से मतलब गलती हो सकती है। जब भी हम सिम टूल निकालने की कोशिश करेंगे तो माइक वाले होल के अंदर हम डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काफी लोगों की शिकायत आ रही है। और दोस्तों विवो का कहना है कि ये काफी जल्दी चार्ज हो जाता है, पर दोस्तों हमने इसको बहुत बार 0 से 100% करके देखा है। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मतलब स्टार्टिंग में जब नया नया स्मार्टफोन था तब काफी जल्दी चार्ज हो रहा था क्योंकि इसके अंदर कोई भी ज्यादा एप्लीकेशन वगैरह नहीं थे। पर दोस्तों जब हम मतलब धीरे धीरे इसको यूज करने, अभी के टाइम में दोस्तों इसको मतलब कभी कभी 55 से 60 मिनट और कभी कभी ज्यादा भी लग जाती है, जब हमारे मतलब मोबाइल गर्म रहता है या फिर थोड़ा मतलब यहाँ पे कूल एरिया के अंदर नहीं रहते हैं, हम हॉट एरिया के अंदर रहते हैं तो काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। और दोस्तों अगर आपका मतलब टेम्परेचर ठीक है, ठंडे एरिया के अंदर हो, तो दोस्तों काफी तेजी से आपके मोबाइल चार्ज हो जाता है। और जो यहाँ पे 50% के ऊपर जाने के बाद जो हीटिंग का इश्यू मिलता है, तो दोस्तों वो सभी मोबाइल्स के अंदर है। वो मेरे पास काफी सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई यार हमारा मोबाइल चार्ज लगाते तब हीट होता है, तो दोस्तों वो नॉर्मल हीट तो सभी के मोबाइल्स में होता है, थोड़ा बहुत चार्जर भी हीट होता है। तो यहाँ पर आप 50% तक चार्ज कर लीजिए, क्योंकि 50% यहाँ पे 15-16 मिनट के अंदर ही हो जाता है 0 से 50%। तो 50% तक रखिए, अगर आपको मतलब कोई जरूरी काम नहीं है तो फिर आपका जब यहाँ पे कम परसेंट हो तो वापस 50% कर लीजिए, काफी मतलब जल्दी हो जाता है। दोस्तों दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है इसके अंदर आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों सच कहूँ तो यहाँ पे मेरी इतनी मतलब ज्यादा ड्रेन तो नहीं हो रही है, पर दोस्तों एक बार तो दिन में आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल यूजेस के लिए मतलब जैसे कि नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, नॉर्मल काम में लेते हो, तो दोस्तों आपकी पूरे दिन चल जाती है। पर दोस्तों आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो दोस्तों आपको एक दिन में 1-2 बार आराम से चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो दूसरी स्मार्टफोन से उनसे थोड़ी सी बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पे बैटरी ड्रेन होती है, पर जो चार्जर 80 वाट का वो भी ठीक है दोस्तों, 15-16 मिनट के अंदर आपके 50% हो जाता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिली इसके अंदर, क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाता है। मैं 50% तक ही चार्ज करता हूँ, फिर दोस्तों वापस जब कम होता है तो वापस से 50% कर लेता हूँ। अगर आप इसको प्रोसेसर के लिए खरीदना चाहते हो, कि आपका प्लान है कि यार मुझे इसके अंदर हेवी गेमिंग करनी है, मेरा सिर्फ प्लान यही है कि गेमिंग करनी है, तो दोस्तों ये गेमर्स के लिए स्मार्टफोन नहीं है। इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 778G, दोस्तों ये एक नॉर्मल प्रोसेसर है इस प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इसकी प्राइस 33,000 रुपए, ठीक है,
तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह लगाकर ही आपको 30,000 रुपए तक आराम से मिल जाता है, चाहे आप ऑनलाइन खरीदो या फिर ऑफलाइन में 30,000 तक आराम से मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्राइस के अंदर जो प्रोसेसर है ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, ओवरऑल ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको अच्छी डिजाइनिंग वगैरह चाहिए तो ये प्रोसेसर ठीक है, पर अगर आपका सिर्फ प्लान है कि मुझे गेमिंग ही करनी चाहिए तो दोस्तों आप वन प्लस वगैरह की तरफ जा सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसर है वो 6 NM के अंदर बेस्ड है। और दोस्तों इसके अगर एंटूटू स्कोर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 7 लाख+ इसके अंदर एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपको 2 साल के OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे और 3 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपको जैसे कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स, काफी सारे ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं जिनको हम आसानी से सेटिंग्स के अंदर जाकर डिलीट कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको गूगल डायलर मिलते हैं, यानी कि हम जब भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो अगले वाले को पता चल जाएगा कि हम उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर दोस्तों सेटिंग्स के अंदर जाकर हम इसको हटा भी सकते हैं। तो प्रोसेसर आप देखोगे तो नॉर्मल सा है, पर दोस्तों ये जो मेन बिकने वाला है वो है इसके डिस्प्ले, जो कर्व्ड डिस्प्ले है, और दूसरी चीज इसका कैमरा। तो आप डिस्प्ले देखोगे 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट है, कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। 1300 की पीक ब्राइटनेस, अगर आप धूप वगैरह के अंदर भी चलाओगे काफी ज्यादा ब्राइट रहती है, और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप इसके अंदर मतलब हाई क्वालिटी की वीडियोस, मूवीज वगैरह देखना चाहोगे आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसके डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली। पर अगर बात करें ना इसके कैमराज के बारे में, तो इसके पीछे आपको 3 कैमराज मिलते हैं। जो मेन कैमरा है 50 MP का OIS कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का एक कैमरा और है जिसका कोई ज्यादा यूजेस नहीं है। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 50 MP का मिलता है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी फोटोज, वीडियोस वगैरह क्लिक किए, तो सबसे पहले मैं वीडियोस के बारे में बात करना चाहूंगा। तो वीडियो के अंदर दोस्तों आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से 4K 30fps के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और वीडियो की जो क्वालिटी है दोस्तों काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। और दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका प्लान है कि यार मुझे वीडियोस बनाने के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन सही है। अगर आपको ये 30,000 रुपए के अंदर मिलता है तो वीडियो बनाने के लिए स्मार्टफोन काफी अच्छा है, क्योंकि आप व्लॉगिंग भी करना चाहते हो फ्रंट कैमरा वगैरह से, तो काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। और दोस्तों अगर फोटोज की बात करूं तो फोटोज भी इसके अंदर काफी अच्छे आते हैं, चाहे आप पोर्ट्रेट के अंदर देखोगे, चाहे आप नॉर्मल फोटो देखोगे। और दोस्तों आप लो लाइट के अंदर जब फोटो क्लिक करते हैं ना, वो तो भाई साहब बहुत ही कमाल की फोटो आती है, चाहे हम फ्रंट कैमरा से भी करते हैं तो जिसकी फ्रंट यहाँ पे फ्लैश है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और जो ये ओरा लाइट है दोस्तों, इससे भी अगर आपका पूरा अंधेरा रहेगा फिर भी आपको एक अच्छी फोटो निकाल के दे देता है। और दोस्तों अगर सूरज वगैरह के पास में भी आप फोटोज क्लिक करोगे तो सूरज को अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन कर देता है, तो लाइट को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आपका प्लान है मुझे फोटोज वीडियोज के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी डिजाइनिंग चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, इसको आप जरूर चूज कर सकते हो। पर दोस्तों आपका प्लान है यार मैं तो एक गेमर हूँ, गेमिंग वगैरह करनी है, तो आप दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हो। तो आपको एक ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो V29 काफी ज्यादा अच्छा है, और कोई यहाँ पे बड़ी शिकायत इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिली है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है V29 से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही होनेस्ट रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो जो आती है उसको मिस ना कर पाओ। और अगर आप V29 से किसी अदर मोबाइल का कंपैरिजन वगैरह देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर आपको सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे, हमने कंपैरिजन कर रखे हैं। और अगर आप कोई दूसरे स्मार्टफोन से कंपैरिजन कराना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।